हेलो जी, हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राम राम। आज है 24 अगस्त 2023 और अभी हमें गांधीनगर गुजरात में और रेडी फॉर द टीटीएफ। पिछली वीडियो में आप देख चुके, बहुत सारे लोग पूछ भी रहे थे कि भाई नीरज, ये टीटीएफ वगैरह क्या होता है, इसमें क्या होता है, कौन लोग जाते हैं। तो देखो, टीटीएफ की फुल फॉर्म होती है ट्रैवल ट्रेड फेयर। तो आज की ये वाली वीडियो ट्रैवल ट्रेड फेयर टीटीएफ के बारे में ही होने वाली है। मैं और कमल भाई अभी यहाँ होटल से चेकआउट करके पहुँचने वाले हैं टीटीएफ में। वो गांधी, क्या नाम है उसका, महात्मा मंदिर वो जो है अहमदाबाद, यहाँ पे गांधीनगर में महात्मा मंदिर में ऑर्गेनाइज हो रहा है। और बहुत एग्जीबिशन सेंटर है, जो कि एक एग्जीबिशन सेंटर है। हाँ, जो कि एक एग्जीबिशन सेंटर है। तो अपने साथ कमल भाई, इन्होंने भी काला चश्मा लगा लिया। तो ट्रैवल इंडस्ट्री से जुड़े हुए जितने भी लोग होते हैं, होटल वाले होते हैं, टैक्सी वाले होते हैं, ट्रैवल एजेंट होते हैं, और भी अदर जितने भी लोग होते हैं ट्रैवल इंडस्ट्री से जुड़े हुए, B2B में काम करने वाले, बिजनेस टू बिजनेस रिलेशन बनाने वाले, वो सारे के सारे लोग एक छत के नीचे, एक प्लेटफॉर्म के नीचे आ जाते हैं। 2-4 दिन तक साथ रहते हैं, एक दूसरे के साथ डीलिंग करते हैं। जैसे कि हम ट्रैवल एजेंट हैं, हमारी ट्रैवल कंपनी का नाम है ट्रैवल किंग इंडिया, ऋषिकेश में रजिस्टर्ड है। तो हमें जरूरत पड़ती है होटलों की, होटलों के साथ हमारा स्पेशल टाई अप बन जाए, स्पेशल हमें रेट मिल जाए, स्पेशल B2B वगैरह। तो वो होटल वाले भी यहाँ पे मिलेंगे। मान लो हमें हिमाचल के होटल चाहिए, भले ही TTF यहाँ गुजरात में हो रहा हो, लेकिन यहाँ हिमाचल के होटल वाले भी मिलेंगे। मैं अभी आपको लेकर चलूंगा, बहुत सारे मिलेंगे। मान लो हमें केरल के साथ, केरल के किसी लोकल ट्रेवल एजेंट की हेल्प चाहिए, यहाँ केरल वाले भी मिलेंगे। तो ये बिजनेस टू बिजनेस रिलेशन डेवलप करने का तरीका है TTF। चलो भाई, अभी एक ब्रेकफास्ट भी करना है। ये हम गांधीनगर में रुके थे, अपने जो TTF की जो लोकेशन है उससे 3 किलोमीटर दूर कोई सा होटल था। ये 10th फ्लोर पे होटल है, 10th फ्लोर पे, और नींद बढ़िया आ गई। और अभी चलते हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। दोपहर के बज के 12 बजे से पहले हम चेकआउट करते नहीं है, वैसे इनका चेकआउट टाइम 10 बजे का। हो सकता है ये 400-500 रुपये, 600-800 रुपये एक्स्ट्रा ले लें। लेंगे तो दे देंगे भाई। तुम एक काम करो, ये पूरी सीरीज है ना तुम्हारी, ये इसको ऑटो को डेडिकेट कर दो। ऑटो को नहीं, मैं तुम्हें डेडिकेट कर रहा हूँ, बैठो ऑटो में। मेरे मुंह से निकलेंगे उद्गार। TTF में जा रहा है ट्रैवल एजेंट और मैं इतना बड़ा तोप हूँ, हमारे लिए TTF लग रहा है, बैठो ऑटो में, चलो। हाँ, देखो ये भाई भी हंस रहा है तुम्हारी हरकतों पे। जलेबी वो पीली हमारे वहाँ होती है, केसरी रंग की है। हमारे जो नॉर्थ में है, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान, ठीक है बढ़िया, वहाँ जलेबी होती है केसरी रंग की, केसरी गोल्डन। और ये मेरा फेवरेट, मेरा भी, इसको देख के पता चलता है मैं गुजरात में, बस यही लाए हो। पीछे वो पकौड़ी आ रही है गर्म। हाँ, एक मर्चा भी रख दो, पतला है तो सही है, पतली बस। जीवन सफल है, ये भी लो। हाँ, जग में भरी है। हाँ, ये सारी जग में भरी हुई है। कड़ी कड़ी ये तो अभी इतनी इतनी और ले लेंगे हम। यहाँ पे ना ट्रैवल एजेंट का रजिस्ट्रेशन है, बाकी किसी की भी एंट्री नहीं है। इवन अगर होटल वाला जिन्होंने यहाँ पे अपना स्टॉल नहीं लगा रखा, वो भी अगर आते हैं उनको भी भगा रहे हैं। तो यहाँ पे अपना वैसे ही रजिस्ट्रेशन, पीछे काउंटर लगा हुआ है, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो जाता है, और अपने भाई का, आपके भाई का, नीरज कुमार ट्रैवल किंग इंडिया हो गया है। अमन भाई, राम राम। आपका मतलब हमारा द पोंग इको रिसोर्ट विलेज में स्वागत है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुकेश भाई कहाँ गए? मुकेश भाई लड़का हम कैसे सर? मुकेश भाई फिर से राम राम। फिर से राम। अमन भाई, हम यार सिर्फ तुम्हारी वजह से यहाँ पे आए हैं ट्रेड फेयर में। थैंक यू सर। ठीक है जी। बाकी हमें फिर से मिल के अच्छा लगा। कब के आए हुए यहाँ पे आप? हम 21 की मॉर्निंग 21 की मॉर्निंग में सुबह 6:30 बजे। हाँ, और अभी आज और कल और हो यहाँ पे? आज कल भी है, परसों निकलेंगे। हाँ, यहाँ पे मुझे लग रहा आप थोड़े से अलग मूड में हो, आपके
पैर खड़े खड़े यार सुबह से टांगे खड़े खड़े। मैंने बताया था ना कि यहाँ पे सारे के सारे मैक्सिमम होटल वालों ने, ट्रैवल ट्रेड से जुड़े लोगों ने अपने स्टॉल लगा रखे, और हम जैसे लोग ट्रैवल एजेंट लोग यहाँ पे विजिट करने आ रहे हैं, तो उन लोगों के कार्ड वगैरह एंट्री, आम पब्लिक की एंट्री नहीं है। तो अभी शुरुआत करते हैं, और भी विजिट करेंगे क्योंकि हमें केरल में अपना बिजनेस आगे बढ़ाना है, तो मैं केरल वाले डिपार्टमेंट में जाऊँगा, अभी मैं हिमाचल वाले एरिया में हूँ। तो यहाँ पे शुरुआत अमन भाई से करते हैं। अमन भाई बताओ अपने क्या मतलब आपका क्या है यहाँ पे। हम लोगों ने अपने जोर से हमने यहाँ पर अपना पोंग इको विलेज और होटल एप्पल पाई, जो हमारे दोनों किन्नौर के होटल्स हैं, उनकी मार्केटिंग के लिए यहाँ पर स्टॉल लगाया है। प्लस हम बी टू बी भी दे रहे हैं किन्नौर स्पीति के लिए, और मेजर हमारा जो एरिया है प्रमोशन का वो है पोंग के लिए। ये है पोंग, हमारा जो पोंग डैम में हमारे हम लोगों का रिजॉर्ट है, उसी के बारे में लोगों को बताना, क्योंकि अभी तक पोंग इज नॉट वेरी फेमस एज अ डेस्टिनेशन, तो हम लोग पोंग को इसको एक डेस्टिनेशन के रूप में प्रमोट कर रहे हैं। ये अपना रजत भाई आ गया है जयपुर से, सेमबार्क करके, क्या है सेमबार्क टेक प्राइवेट, सेमबार्क टेक प्राइवेट लिमिटेड, ट्रेवल एजेंटों के काम कर इनका सॉफ्टवेयर है सार, तुम बताओ डीएमसी के लिए, डीएमसी ने टूर ऑपरेटर इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम, चलो बढ़िया बहुत है। और मुझे इतना पता है, ये जो इसने बोल रहा है वो मुझे, मैंने सुनाई नहीं दिया क्योंकि मैं इसका सॉफ्टवेयर यूज करता हूँ, और इंग्लिश में क्या कैसे कैसे बोलना है वो ये जाने, ठीक है। मुझे बस इतना पता है पिछले साल मैं इसके ब्याह में गया था, ठीक है, बाकी मुझे कुछ नहीं पता, उसके बाद में आज ही मिल रहा हूँ। और ये अपने गोविंद अग्रवाल जी फ्रॉम ऋषिकेश, सर आपने भी स्टॉल लगा रखा, आपके तो ओल्ड, आपके तो होटल है ना तीन होटल, तो आपका स्टॉल कहाँ पे? ये तो पोंग वालों का, ऐसे काम नहीं चलेगा, अगले साल आपका स्टॉल चाहिए यहाँ पे, ऐसे काम नहीं चलेगा। इसमें भी चाहिए, साटा में भी चाहिए, हैं साटा में भी चाहिए, हाँ साटा में जहाँ भी लग रहा है सब जगह चाहिए। हमसे बड़ा यूट्यूबर है कोई? कोई ना है, कोई नहीं है ना, ना कोई भी ना है। ये लो भाई, अब जो है ना होटल एप्पल पाई में लंच टाइम शुरू होता है। हमने तो सबका लिया, बांट दो भाई सबको, बांट के आओ, देव यार मुझे भी। तो ये रह गए, देव मुझे भी। ये तो वो है, क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसे, ये छोटी कचौड़ी, छोटी कचौड़ी, कचौड़ी है ये। अच्छा छोटी कचौड़ी, इसमें मावे का वो है, मावा डाला हुआ है, मावा है। ये हमारा एकांत रिट्रीट रिसॉर्ट है भाई, एकांत रिट्रीट चैल में है ना, चैल में है ये, 4-star, मैंने आते जाते कई बार देखा इसे। अच्छा, और जीरकपुर में भी है, जीरकपुर में भी है, जीरकपुर में होटल कान जीरकपुर है, वो प्योर वेज होटल है। हाँ जी, और चायल में हमारा होटल भी है, वो होटल एकांत के नाम से है, वो पहले होटल, सबसे पहला होटल वही है। हाँ, उसके बाद एकांत रिट्रीट, उसके बाद रिजोर्ट बनाया। हाँ, हाँ। उसके बाद जीरकपुर वाला होटल। बढ़िया, कार्ड देना अपना। मेड कॉनिफर चंबा, चंबा नहीं डलहौजी में है भाई, ये भी अपनी समझ लो अपनी प्रॉपर्टी अपनी है, अपनी है। मैं तो गया था ना यहाँ पे। हाँ आप गए थे, जब याद है जिस वक्त हम उसमें फंसे थे बर्फ में डलहौजी में, ये प्रॉपर्टी डलहौजी में रुकने के लिए सबसे बेहतरीन और सबसे अलग, इससे बढ़िया प्रॉपर्टी नहीं लगती, हम भी इसी के साथ काम करते हैं। जब आबाद होटल एंड रिसोर्ट केरला, आपके तो ओनली केरला में है ना, ओनली केरला, किस किस लोकेशन पे, एट विच लोकेशन? तेकड़ी, कुमारकम, मरारी बीच, कोवलम बीच, हाउस बोट एंड कुमारकम एंड वायनाड, टू रिसॉर्ट्स एंड वायनाड, ऑल ओवर केरला। सर नीरज जी, अब मेरे चलने का समय हो गया, मेरी ट्रेन का टाइम हो गया, मैंने 4 दिन आपको लगातार जलाया 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 और खूब जलाया, उसको धन्यवाद। और इस सीरीज में मैं यहीं तक था, अब ये सीरीज पता नहीं यहाँ खत्म हो रही है, पता नहीं कंटिन्यू हो रही है, वो नीरज भाई जाने और उनके दर्शक पाठक जाने, और मैं होता हूँ इस सीरीज से आउट। आप सभी सब्सक्राइबर्स को बहुत बहुत धन्यवाद,
और इनके चैनल को लाइक करें। ठीक है सर, आप जा रहे हो हमें मतलब आप आए हमें बहुत अच्छा लगा, आप जा रहे हो हमें और भी और ज्यादा अच्छा लग रहा है। मुझे आपसे यही उम्मीद थी। अब आप जाओ। ठीक है सर, थैंक यू, हम जा रहे हैं। और आपने मेरी वापसी की फ़्लाइट बनाई बहुत सस्ते रेट पे, उसका आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उस फ्लाइट में आपने 200 रुपए कमाए, उसका भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उस फ्लाइट में हमने आपको 5 नंबर की रो में विंडो सीट दी, उसका भी धन्यवाद दो। और उसमें हमने आपका पनीर टिक्का ऐड करवाया, उसका भी धन्यवाद। पनीर टिक्के का स्पेशल धन्यवाद, विंडो सीट का कोई धन्यवाद नहीं है क्योंकि रात की फ्लाइट है, कोई फायदा नहीं विंडो सीट नहीं। लेकिन पांचवें नंबर की रो में दी, उसका धन्यवाद बोलना पड़ेगा। हाँ, सबसे लास्ट में बोर्ड करूंगा और सबसे फर्स्ट में डीबोर्ड करोगे। हाँ, ये बात। चलो ओके सर, ठीक है भाई कमल, धन्यवाद, पहुंचो जी आराम से। ओके बाय। ओके बाय। चलो जी, मेरा आना हो गया सफल और ये कुछ मैंने कार्ड इकट्ठे किए हैं, पता नहीं किस किस के हैं। यहाँ पे ना मेरा मेन फोकस केरल का था क्योंकि हमें केरल में काम अपना स्टार्ट करना है। अभी जो है हम यानी कि ट्रैवल किंग इंडिया नॉर्थ इंडिया में काम कर रही है, तो अभी हम साउथ और स्टार्ट करने वाले हैं। साउथ क्यों स्टार्ट करने वाले हैं मैं बताता हूँ। पिछले साल दिसंबर में मैं और दीप्ति गए थे केरल, तो हम तो अपनी पर्सनल लीजर ट्रिप पे गए थे। वहाँ जाके हमने वहाँ पे टूरिज्म का हिसाब किताब देखा, टूरिज्म का स्ट्रक्चर देखा, सिस्टम देखा, वहाँ के लोगों से मिले। समझ में आया कि यार अगर हमने आज केरल में स्टार्ट नहीं किया, साउथ में स्टार्ट नहीं किया, तो हम बहुत ज़्यादा लेट हो जाएंगे। फिर मैंने और ज़्यादा स्टडी करनी शुरू करी, पता चला कि जी केरल जो है ना इंडिया का नंबर वन स्टेट है टूरिज्म के मामले में, और अपने जो उत्तराखंड हिमाचल है जहाँ पे हम बेस्ड है, जिनका हम सबसे ज़्यादा जोर लगाते हैं, वे 10वें 15वें नंबर पे आते हैं। तो यानी के नंबर वन स्टेट पे अगर हम काम नहीं करेंगे तो हम बहुत लेट हो जाएंगे, तो इसलिए भाई केरल स्टार्ट करते हैं, ये हमने प्लान किया। तो इस वाले TTF में मैं केरल को फोकस बना के आया हूँ। तो मैंने केरल बेस्ड कुछ कंपनियों के, कुछ होटलों के, कुछ ट्रैवल एजेंसियों के, कुछ जो है ट्रांसपोर्टरों के डिटेल ले ली है। घर पहुँच के जैसी भी बात बनेगी इनसे मैं कॉन्टेक्ट करता चलूँगा। और आपका भाई जो है ना ट्रैवल किंग इंडिया जो है ना अब केरल में भी काम स्टार्ट करने वाला है। सितंबर या अक्टूबर में मैं केरल के लिए निकल जाऊँगा और 2-3 महीने वहीं पर रहूँगा, बहुत बढ़िया तरह से एक्सप्लोर करूँगा। जितनी भी ट्रैवल ट्रेड से रिलेटेड जितनी भी समस्याएँ आती हैं सारी की सारी सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे, जो भी कुछ होता होगा वो सब वहाँ पर करेंगे केरल में। ठीक है भाई, तो अभी जो है ना मेरा यहाँ से चलने का टाइम हो गया है, रात को 10:30 बजे मेरी फ़्लाइट है यहाँ से दिल्ली के लिए। 10:30 का मतलब है कि 8:30-9 बजे एयरपोर्ट पहुँचना है, यानी कि 7 बजे के आसपास यहाँ से हमें निकलना है। तो लास्ट में एक बार अमन भाई से और मिल लेते हैं। अमन भाई ये बताओ जी, जनाब ये जो तुम्हारे पास जो इतने सारे कार्ड इकट्ठे हुए हैं, बाकी सबके पास तो मटके हैं वो कांच वाले, तुम्हारा मटका कहाँ है भाई? हम मटके लाते ही नहीं। अच्छा, मटके लाने पड़ते हैं? हमारा मटके लाओ चाहे मत लाओ, हमारा फोकस बड़ा क्लियर होता है कि हम लोगों ने अपना जो बेसिक एक हमारे पास मान लो 500 कार्ड आया, लेकिन मुझे पता 500 कार्ड में से होंगे हमारे काम के से 10 ही। हाँ, मैं यही पूछने वाला था, ये जो इतने सारे कार्ड हैं ये तो आज आज के हैं ना? ये आज आज के हैं। ये आज आज के, बाकी कल के भी होंगे? कल वाले तो रखा है। हाँ मतलब होंगे ना बाकी। इसमें से क्या होता है कि हम लोगों की कुछ जो हमारे को पता लगता है कि इम्पोर्टेंट है उस पर हम लोग अपना किसी तरीके से ना मार्किंग लगी हुई होती है, जैसे अभी कोई भी इम्पोर्टेंट कार्ड नहीं है इनमें से, लेकिन 5-10 कार्ड इसमें से इम्पोर्टेंट जरूर होंगे जिनमें कहीं ना कहीं मार्किंग लगी हुई होगी। इसमें से जो इम्पोर्टेंट अपने काम के कार्ड होंगे उन कार्ड्स पे फिर मेल के थ्रू सारा का सारा आदान प्रदान रहेगा कि भाई अपने सारे डिटेल्स भेजने होटल्स के, रिजॉर्ट्स की, फिर उसके बाद देखते हैं आगे B2B में किस तरीके से प्रमोशन वो लोग करते हैं, उस बेसिस पे काम चलेगा। मेन तो आप पोंग का ही कर रहे हो? अब मेन पोंग का ही कर रहे हैं। पोंग पे ज़्यादा फोकस है। चलो बढ़िया।